हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप लुक शेयर करूंगी, जो कि मैरिड वुमेन है, बहुत ही बिजी हैं, उन्हें मेकअप करने का टाइम नहीं है, तो उनके लिए मैं एक मेकअप लुक लेकर के आई हूं। बहुत ही सिंपल है, बहुत कम चीज़ों में आप अच्छे से तैयार हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया है बायोटिक के मॉइस्चराइज़र से, और यहाँ पर मैं सुनीसा की सीसी क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, और इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। ये क्रीम, ये जो सीसी क्रीम है, ये वाटरप्रूफ है, तो आप किचन में भी काम करती हैं, अगर आपको गर्मी लगता है, पसीना आता है, तो भी ये ख़राब नहीं होगा। और फिलहाल इसे मैं सेट कर रही हूँ लैक्मे के कॉम्पैक्ट पाउडर से, और मैं ब्रश के हेल्प से पूरे ही अच्छी तरह से इसे फेस और नेक पे लगा लूँगी। बहुत ही इवनली ब्लेंड हो जाता है, तो अक्सर मैं ब्रश का ही यूज़ करती हूँ पाउडर अप्लाई करने के लिए। नेक पे भी अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए NYB की आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और इसमें जो मेरा शेड है वो ब्राउन है, और मैं ब्राउन शेड ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ब्लैक से लुक बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप ब्लैक यूज़ करते हैं तो आप ब्राउन यूज़ करके देखिएगा एक बार, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है इससे। और फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथली ग्लाइड हो जाता है। काजल के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की ब्लैक काजल, और डेली वेयर में आप ब्लैक काजल यूज़ कर सकती हैं, एवरीडे मेकअप लुक में बहुत ही अच्छा लगता है। ब्लैक काजल ऐसा कलर होता है जो कि सभी पे सूट करता है, तो बहुत ही अच्छे से लगा लेंगे हम लोग इसे। उसी तरह अपनी दूसरी आँख में भी मैं लगा लूँगी। लुक ही चेंज हो जाता है काजल लगाने के बाद। उसके बाद यहाँ मैं मेबलिन की कोलोसल आईलाइनर का यूज़ करूँगी। ये बहुत ही अच्छी है, मतलब अफोर्डेबल है, और बहुत ही अच्छा इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, वॉन्ट बहुत प्रिसाइज है, तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन मिल जाता है इससे, और वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ है। यहाँ पर मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे मैं नीचे से शुरुआत करूँगी, पहले अपने आई लैशेज को पहले ऊपर से कोट करें, ऊपर से नीचे की ओर ले जाएं, फिर नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से, और इसी तरह मैं दूसरे आईज़ में भी लगा लूँगी। और यहाँ पे मैं पैक का लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, इसका डिटेल रिव्यू मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी दे चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा इसका फॉर्मूला लगता है गाइज, और ये शेड भी बहुत पसंद है मुझे। एप्लीकेशन बहुत ही इजी है, ये लगाने के बाद आपकी लिप्स पैची भी नहीं दिखती है, साथ ही ड्राई भी नहीं लगती है, बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन है इसका। सो यहाँ पे मैं आई शेडो का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आई शेडो पैलेट का, तो मैंने एक लिपस्टिक लिया है और ये ग्लिटर्ड है थोड़ी, तो मैं बिल्कुल हल्का सा यूज़ करूँगी, ये थोड़ी थोड़ी मेरी लिपस्टिक से मैच कर रही है, और बहुत ही कम मैं यूज़ करूँगी। देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये लुक। उसी तरह मैं अपने दूसरे आई में भी लगा लूँगी। और मैंने यहाँ बिंदी लगा ली, और ये मेरा मेकअप लुक हो गया कंप्लीट। एवरीडे मेकअप लुक आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने अपने हेयर में ब्रेड बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे हेयर